दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज की ओर से यूनिवर्सिटी व कॉलेज छात्रों की परीक्षा को लेकर जो अपडेट आई है उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। कौन सी अपडेट है, किन छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा जिससे आप लोगों को सही और पूरी जानकारी मिल सके। चलिए बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों जो छात्र चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके रखें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुंच सके, यानी कोई भी अपडेट मैं प्रोवाइड करूं तो वो आप तक पहुंच सके, परीक्षा पे जुड़ी हो या फिर कोई भी अपडेट हो, क्योंकि हम आपको टाइम टू टाइम कोई ना कोई अपडेट जरूर प्रोवाइड करते हैं जो यूनिवर्सिटी की ओर से आती है और आपके हित में होती है। ठीक है, तो चलिए अपडेट देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र जरूर देखेंगे पूरा, ठीक है, जैसे भी आती है हम आपको अपडेट कर देते हैं। फिलहाल ये जो अपडेट है वो CCSU की ओर से प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से प्रोवाइड की जा रही है। इसमें लिखा है कि CCSU ने शुरू की परीक्षा की तैयारी, छात्रों को मिलेगी यह सुविधा। हालांकि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने परीक्षा का पहले अनाउंसमेंट किया था लेकिन परीक्षा स्थगित कर दी थी, लेकिन बताया था कि इलेक्शन जब हो जाएंगे तो कराएंगे, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि हम परीक्षा किस डेट से कराएंगे, क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। लिखा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था कराने को कहा गया है, यानी कि तैयारियां जोरों तोरों से चालू है, परीक्षाएं जल्द कराई जाएंगी। इसमें बताया जा रहा है कि परीक्षाओं का कराने के लिए CCTV कैमरा की व्यवस्था की जा रही है, यानी कि CCTV कैमरा लगाए जा रहे हैं। और लिखा है कोविड प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्रों की तैयारी करने के लिए कहा गया है, यानी कि जो कोविड संक्रमण चल रहा है, जो कोरोना चल रहा है, इसके जो प्रोटोकॉल से इसके जो नियम है उसको देखते हुए ही परीक्षा केंद्र की तैयारी की जा रही है। और लिखा परीक्षा केंद्रों को हर कक्ष में 2 कैमरे लगाने होंगे, यानी कि जहां पर भी एग्जाम होंगे आप सभी के तो एक कमरा है वहां पर 2 कैमरे लगाएंगे, यानी कि 2 CCTV कैमराज होंगे, ये ध्यान देंगे छात्रों, क्योंकि इस बार किसी भी चीटिंग नहीं होने वाली है। जो भी निर्देश आए वही मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूं, हालांकि ये तो आपको एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तब पता चलेगा कि वहां CCTV कैमरा लगे हैं, वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो दिशा निर्देश आए वही मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप लोग अपनी फुल तैयारी से जाइएगा, वहाँ के चक्कर में मत जाइएगा कि हो सकता है वहाँ चीटिंग करा दी जाए, तो अपनी तैयारी से ज़रूर जाइएगा, क्योंकि CCTV कैमरा लग रहे हैं। पूरी जानकारी आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होंगी, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षा है वो 17 फरवरी से शुरू होंगी। और लिखा है विषम सेमेस्टर और वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की परीक्षा भी जल्द ही शुरू होने वाली हैं, यानी कि जो विषम सेमेस्टर की यहाँ पर जो प्रोफेशनल परीक्षाएं हैं, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स की, वो 17 से होंगी, और जो विषम और वार्षिक परीक्षाएं हैं वो भी जल्दी ही कराई जाएंगे, लेकिन अभी उस डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि तैयारियां हो रही हैं और जल्द ही डेट की अनाउंसमेंट होगी। और लिखा है इसे ध्यान में रखते हुए बुधवार को CCSU ने सभी कॉलेज जो परीक्षा केंद्र बनते हैं, ठीक है, परीक्षा केंद्र बनते हैं उन्हें CCTV कैमरे भी लगवाने होंगे, यानी कि जो भी चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से संबद्ध जो भी कॉलेज हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनने हैं उसमें CCTV कैमरा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अदरवाइज परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा, ये कहने का मतलब है। और लिखा है कि इनमें आईडियो की सुविधा भी हो रहेगी, यानी कि CCTV कैमरा में बहुत सारे आप सभी ने सुना होगा कि CCTV कैमरा में तो लाइव तो देखना है, वीडियो देखती है, लेकिन उसमें आईडियो नहीं रहता, लेकिन इसमें आईडियो भी रहेगी इस बार, ठीक है। और लिखा है इसके अलावा कोविड, ठीक है, प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्रों की तैयारी कराने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, कैमरा के लगाने के लिए कहा गया है परीक्षा, ठीक है, 2 कैमरे पर, यानी कि पर जो भी क्लास हैं या फिर आप कक्ष जो बने हैं उनमें, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट इसमें लिखा है छात्रों के लिए रहेगी स्वकेंद्र सुविधा। लिखा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को स्वकेंद्र की सुविधा दी जाएगी, हालांकि जिन कॉलेजों में स्वकेंद्र की सुविधा नहीं दी जाएगी उन्हें अधिक से अधिक 5 किलोमीटर की दूरी में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए कहा गया है। जिन कॉलेज में स्वकेंद्र की सुविधा दी जाएगी वहाँ 50% स्टाफ बाहर से बुलाए जाएंगे। जिन कॉलेज में प्रचार का निवास रहेगा उन कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, यानी कि कुल मिला के जो भी कॉलेज से नज़दीक हैं या कॉलेज के स्टाफ हैं उनकी जो एग्ज़ाम में ड्यूटी है नहीं लगाई जाएगी, बाहर से अध्यापक या फिर कहते हैं स्टाफ बुलाया जाएगा जो भी किसी भी तरह छात्र को ना जानता हो। यानी इसमें चांसेज ये हैं कि जैसे कि जो स्कूल है उसी में सेंटर बनाया गया और वहीं के स्टाफ को वहां पर रखा गया ड्यूटी पे, तो हो सकता है वो चीटिंग करा दें या फिर उनका जो पर्सनल मैटर हो, इस वजह से बाहर से बुलाए जाएंगे अनजान स्टाफ, ठीक है। तो ये कुल मिला के इस बार जो व्यवस्थाएँ हैं वो यूनिवर्सिटी कर रही है। तो कुल मिला इस वीडियो के तात्पर्य ये है कि जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षा है वो 17 फरवरी से कंडक्ट कराई जाएंगी, बाकी जो वार्षिक और जो भी विषम सेमेस्टर के छात्र उनकी परीक्षाएं जल्द ही कराई जाएंगी, उसकी तैयारी पूरी तरह चल रही है
जैसे भी अनाउंसमेंट होगी, जैसे भी डेट आएगी, हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन ये सारी सुविधाएं रहेंगी, इस बार ध्यान में रखिएगा, सीसीटीवी के साथ साथ ऑडियो कैमरा तक, और एक कैमरे में यानी कि एक कक्ष में दो सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। तो ये रही आज की कुछ बड़ी अपडेट, जो कि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को। अगर इसी तरह के और भी अपडेट चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है ही, पूछ सकते हैं। आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।